भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सोशल मीडिया पर ये दावा कर रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जो भोपाल से चुनाव लड़ रही हैं, मालेगांव ब्लास्ट केस से बरी हो चुकी हैं। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में 6 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। एक, सच्चाई ये है कि प्रज्ञा ठाकुर को केस से बरी नहीं किया गया है। मालेगांव का केस अभी भी बॉम्बे हाईकोर्ट में जारी है। दो, वो आजकल जेल से बाहर हैं जमानत पर, जो जमानत उन्हें अप्रैल 2017 में मिली थी अस्वस्थ होने के कारण। उन्होंने ये भी दावा दिया था कि वो बिना सहारे के चल भी नहीं सकती हैं। तीन, पिछले साल ही 30 अक्टूबर को एक स्पेशल एनआईए कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और अन्य साथियों के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी की धाराओं के तहत कई केस दर्ज किए, जैसे कि आतंकवादी कार्य करना, हत्या, हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश और दो धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना। चार, अब लोग शायद इस वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा को फरवरी 2017 में भोपाल के कोर्ट ने बरी किया था, पर वो था एक दूसरा केस। वो केस था आरएसएस कार्यकर्ता सुनील जोशी की 2007 में हुई हत्या का। सबूत की कमी के कारण साध्वी प्रज्ञा को बरी किया गया था। ये बात क्लियर है कि प्रज्ञा ठाकुर सिर्फ जमानत पर निकली हैं। इनको मालेगांव ब्लास्ट केस से बरी नहीं किया गया है। उनके खिलाफ ये केस अभी भी जारी है। अगर कोई भी न्यूज रिपोर्ट, फॉरवर्ड या अफवाह आपको जज्बाती लगे, कृपया उसकी जांच करें, जिम्मेदारी से शेयर करें, ताकि हम सब साथ मिलकर फेक न्यूज का सामना कर सकें। धन्यवाद।